सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज अपने बांसवाड़ा संभाग जो है वो अपने आज शुरू करेंगे। पाली संभाग अपना कंप्लीट हो चुका है, आज अपने बांसवाड़ा संभाग की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान का एक नवीनतम संभाग है जिसको बनाए जाने की घोषणा 17 मार्च 2023 को हुई थी और जिसका स्थापना दिवस जो है वो 7 अगस्त 2023 को सभी नवीनतम जिलों का स्थापना दिवस जो है वो एक साथ बनाया गया था। तो उसी बांसवाड़ा संभाग की आज अपनी शुरुआत करेंगे। सबसे कम जिलों वाला संभाग ये बांसवाड़ा ही है, राजस्थान का बिल्कुल दक्षिणतम संभाग, राजस्थान का दक्षिणतम जो संभाग है वो अपना बांसवाड़ा संभाग है। और एक ये अपने राजस्थान का सबसे नवीन संभाग भी मान सकते हैं। बांसवाड़ा संभाग है जो सारा उदयपुर संभाग से अलग होकर नया संभाग का गठन हुआ था। और ये बांसवाड़ा संभाग है जिसमें तीन जिले आते हैं अपने, डूंगरपुर आता है, बांसवाड़ा आता है, प्रतापगढ़ आता है। तो ये बांसवाड़ा जो संभाग है ये गुजरात के साथ में भी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है और ये मध्य प्रदेश के साथ भी अपनी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। इसी बांसवाड़ा संभाग के बारे में आज अपने शुरू करेंगे। और तो बांसवाड़ा संभाग का अपना पहला मेन जिला बांसवाड़ा जिला आज अपने शुरू करते हैं। देखिएगा, ये अपने बांसवाड़ा जिले का मेन मानचित्र है। चलो अपने पहले बांसवाड़ा के मेन मानचित्र के, बांसवाड़ा के जो मेन शहर है उनके नाम अपने देख लेते हैं, फिर अपने डिटेल शुरू करेंगे। यहां पर अपना मेन जिला मुख्यालय पड़ता है, मतलब बांसवाड़ा जो मेन जिला मुख्यालय। बांसवाड़ा के उत्तर में यहां पर घाटोल है और घाटोल के बिल्कुल पास में यहां पर गनोड़ा शहर है। घाटोल, घाटोल के पास में गनोड़ा है, गनोड़ा के पास में ही गड़ी है। ठीक, बांसवाड़ा, घाटोल, गनोड़ा, गड़ी, गड़ी के बिल्कुल दक्षिण में यहां पर अर्थुना है ना, अर्थुना बांसवाड़ा में शिव मंदिर के लिए फेमस भी है। और इसी के दक्षिण में यहां पर आनंदपुरा है, आनंदपुरा। और आनंदपुरा के दक्षिण में यहां पर ये वाली जो तहसील है, इस तहसील का नाम है गागड़ तलाई, गागड़ तलाई। और गागड़ तलाई के जस्ट बाद में यहां पर पड़ता है सजनगढ़, और सजनगढ़ के बिल्कुल पास में ये अपनी बिल्कुल दक्षिणतम तहसील है कुशलगढ़। दक्षिण दिशा का बिंदु है ना बांसवाड़ा जिला, कुशलगढ़ तहसील, तो वो बोरखेड़ा कस्बा वो यही है। कुशलगढ़ के उत्तर में यहां पर आता है आबापुरा, एमपी के साथ में ये तहसील टच करती है। और आबापुरा के उत्तर में यहां पर आती है छोटी सरवन, छोटी सरवन, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में और छोटी सरवन बांसवाड़ा के अंदर है। और बांसवाड़ा के ठीक नीचे यहां पर ये बागीदोरा है, तीर कमानों के लिए फेमस है ना बागीदोरा, ये बांसवाड़ा के मुख्य तहसीलों के नाम है। ठीक है, अब अपने अगर मेन बांसवाड़ा की बात करें तो जो बांसवाड़ा जिला है इसी बांसवाड़ा का उपनाम है, इसको सो द्वीपों का शहर कहा जाता है और इसी को राजस्थान की लोडी काशी भी कहा जाता है, राजस्थान की लोडी काशी और मैंगनीज के भंडारों के लिए कौन सा जिला फेमस है? बांसवाड़ा। अभर के लिए भीलवाड़ा है, तामड़ा के लिए टोंक है, मैंगनीज के लिए बांसवाड़ा है। और यही वो बांसवाड़ा है जो केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केले का भी सर्वाधिक उत्पादन बांसवाड़ा में होता है और सबसे लंबी घास जो बांस है वो भी ज्यादा बांसवाड़ा में है। और अपने राज्य में सर्वाधिक
सागवान के वृक्षों वाला जिला सर्वाधिक, सागवान के वृक्षों वाला जो जिला है वो भी बांसवाड़ा ही है, सर्वाधिक सागवान के वृक्षों वाला जिला भी बांसवाड़ा है। बागी दोरा की बात करें तो बागी दोरा जो है ये तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है, तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा जिले की कौन सी तहसील? बागी दोरा। जो बागी दोरा तहसील है ये तीर कमानों के लिए प्रसिद्ध है। आनंदपुरा की बात करें तो ये सवर्ण यानी के सोने के भंडार के लिए फेमस है, राज्य का सोने का सबसे बड़ा भंडार आनंदपुरा भूकिया, जगतपुर भूकिया यहीं पर है। और जो कुशलगढ़ है ये याद रखो करक रेखा के सबसे नजदीक शहर जो है वो ही कुशलगढ़ है, क्योंकि करक रेखा दो जिलों से गुजरती है ना, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा का जो शहर करक रेखा के सबसे निकट पड़ता है वो ये कुशलगढ़ ही है, और यही अपना राज्य का बिल्कुल दक्षिणतम शहर है। राज्य के बिल्कुल दक्षिणी दिशा का जो पॉइंट है वो बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंड गांव ही है, और करक रेखा के सबसे निकट जो शहर है वो भी कुशलगढ़ ही है। अर्थुना की बात करें तो अर्थुना बांसवाड़ा के अंदर मंडलेश्वर शिव मंदिर है, मंडलेश्वर शिव मंदिर अर्थुना बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है। तो ये बांसवाड़ा के मुख्य शहरों के नाम है, हालांकि शहर या तहसीलें बांसवाड़ा में बहुत ज्यादा है, तो बस एक नक्शे में आपको बता दिया मोटा मोटा, बस नाम याद रखना। हालांकि जीके में सभी तहसीलों का कोई रोल नहीं है, जैसे सज्जनगढ़ की बात करें तो सज्जनगढ़ तो मेन उदयपुर वाला जो है उसका नाम आता है, वैसे सज्जनगढ़ बांसवाड़ा के अंदर ही मेन, तो बांसवाड़ा में दो तीन नाम आते हैं, अर्थुना का नाम आता है, कुशलगढ़ का नाम आता है, आनंदपुरा का नाम आता है ना, ये दो तीन नाम है जो जीके में काफी फेमस नाम है और एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं, तो ये दो तीन शहरों के मेन नाम है, बस वो थोड़े से ढंग से याद रखना। चलो अपने बांसवाड़ा को पहले डिटेल में शुरू कर लेते हैं, और सबसे पहले अपने पढ़ते हैं बांसवाड़ा जिले का जो सामान्य परिचय है। देखिएगा बांसवाड़ा जिले का जो सामान्य परिचय है किसके ऊपर अपने चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं बांसवाड़ा का जो प्राचीन नाम है, बांसवाड़ा जिले का जो प्राचीन नाम है, तो प्रॉपर जो बांसवाड़ा है ना इसको प्राचीन काल के अंदर बांस या भील की ढाणी बोलते थे, बांस या भील की ढाणी इस नाम से बांसवाड़ा जिले को जाना जाता था, और रामू जाट की ढाणी श्री गंगानगर को प्राचीन काल में बोलते थे, तो रामू जाट की ढाणी गंगानगर का प्राचीन नाम है और बांस या भील की ढाणी बांसवाड़ा जिले का प्राचीन नाम। अब देखो अगर अपने जो बांसवाड़ा जिला है आज अपना वर्तमान के अंदर, और प्लस में जो डूंगरपुर जिला है, इन दोनों जिलों का जो संयुक्त धरातल है, इस धरातल की अगर बात करें कि प्राचीन नाम क्या है, तो इसको प्राचीन काल के अंदर दोनों के एरिए को बागड़ प्रदेश या वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बागड़ प्रदेश या वागड़ प्रदेश, डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों जिलों का धरातल था, लेकिन दोनों में मेन इसमें बांसवाड़ा का एरिया आया करता था। इसी को प्राचीन काल में वागवर ना, बागड़ का ही अपभ्रंश है बागवर, या इसी का अपभ्रंश बना दिया बागुरी, बागड़ वागवर बागुरी, या इसी को प्राचीन काल में कुमारिया खंड के नाम से भी दोनों जिलों के संयुक्त धरातल को जानते थे, कुमारिया खंड भी इसी का नाम था, इसी को यागरवाट के नाम से भी जाना जाता था, यागरवाट भी इसी दोनों जिलों के संयुक्त धरातल का प्राचीन नाम हुआ करता था, और इसी धरातल को
पुष्य क्षेत्र और पाताल देश के नाम से भी जाना जाता था। ये पाताल देश जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में खूब आता है पाताल देश। ये बांसवाड़ा डूंगरपुर के दोनों को जानते थे और इसी को प्राचीन काल में गुप्त प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। गुप्त प्रदेश है ना, राज्य के सबसे दक्षिणी साइड में था, एक प्रकार से यह पाताल में था, तो पाताल देश या गुप्त प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। इसी को प्राचीन काल में मेवल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था, मेवल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। तो ये जो प्राचीन नाम है ना, ये वाले जो प्राचीन नाम है, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के दोनों के संयुक्त धरातल के प्राचीन नाम है। एक बांसवाड़ा का, अगर सिंगल बांसवाड़ा का प्राचीन नाम देखें तो इसका प्राचीन नाम ये है बांसिया भील की डाड़ी। इसमें दो तीन नाम थोड़े ढंग से याद रखो, एक तो ये कुमारिया खंड है, एक ये पाताल देश है और एक ये पुष्य क्षेत्र है। ये तीन नाम है जो एग्जाम के लिहाज से अपने लिए मेन हो सकते हैं। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा संयुक्त धरातल के ये प्राचीन नाम हुआ करते थे, ये इस क्षेत्र के सारे प्राचीन नाम है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपने बांसवाड़ा जिले को कोई उपनाम देना चाहे कि बांसवाड़ा के उपनाम क्या क्या है, तो उपनाम के अंदर अपने इसको आदिवासियों का शहर कहा जाता है, आदिवासियों का शहर कहा जाता है, इसी को सो द्वीपों का शहर कहा जाता है, सो द्वीपों का शहर कहा जाता है, इसी को राजस्थान की लोढ़ी काशी कहा जाता है, राजस्थान की लोढ़ी काशी भी इसी को कहा जाता है, और इसी को अपने राजस्थान के अंदर मानसून का प्रवेश द्वार है ना, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसकी जो अरब सागर है वो सबसे पहले यहीं से प्रवेश करती है, तो मानसून का प्रवेश द्वार भी बांसवाड़ा को कहा जाता है, राजस्थान की लोढ़ी काशी भी बांसवाड़ा को कहा जाता है। उसके बाद बांसवाड़ा जिले का आरजे नंबर क्या है, तो बांसवाड़ा का आरजे नंबर है आरजे 03 और बांसवाड़ा जिले का जो शुभंकर है जलपीपी, ये बांसवाड़ा का शुभंकर है और बांसवाड़ा का संस्थापक, तो बांसवाड़ा का संस्थापक माना जाता है जगमाल सिंह, ये बांसवाड़ा का संस्थापक है। तो बांसवाड़ा का आरजे नंबर 03 है, संस्थापक इसका जगमाल सिंह है और शुभकर इसका जलपीपी है। उसके बाद अगर अपने बात करें कि बांसवाड़ा जिले की जो स्थलीय सीमा है वो किस प्रकार की है, तो अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो हमें ये पता है कि जो बांसवाड़ा जिला है वो हमारा सीमावर्ती जिला है। सीमावर्ती जिले का मतलब है ये बाहर वाली बाउंड्री पर आता है, तो बाहर वाली बाउंड्री पर आएगा तो कहीं ना कहीं किसी देश या राज्य को टच तो करेगा। अब इधर वाली साइड में कोई पड़ोसी देश तो है नहीं, राज्य की सीमा को स्पर्श करेगा, मतलब ये बांसवाड़ा जिला जो है ये अंतर्राज्यीय सीमा को भी स्पर्श करता है, अंतर्राज्यीय सीमा को भी स्पर्श करेगा। और स्वाभाविक सी बात है कोई भी जिला होगा उसका कोई ना कोई पड़ोसी जिला तो 101% ही होगा, है ना। अब अगर बात करें अंतर्राज्यीय सीमा की, तो ये दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, ये गुजरात के साथ में भी सीमा अपनी साझा करता है और ये मध्य प्रदेश के साथ में भी अपनी सीमा साझा करता है।
यानी कि गुजरात और मध्य प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमा को जोड़ने वाला जिला कौन सा है? तो बांसवाड़ा है, ये दोनों की सीमा को स्पर्श करता है। और अगर अपने पड़ोसी जिलों की बात करें तो बांसवाड़ा संभाग का आपने डायग्राम देख ही लिया होगा, दो ही पड़ोसी जिले हैं बांसवाड़ा के, एक तो इसका पड़ोसी जिला डूंगरपुर है और एक इसका पड़ोसी जिला प्रतापगढ़ है। और बांसवाड़ा के दो ही पड़ोसी राज्य है और दो ही पड़ोसी जिले हैं। दो पड़ोसी राज्य कौन से हैं? तो गुजरात और मध्य प्रदेश है, और दो पड़ोसी जिले कौन से हैं? तो डूंगरपुर और प्रतापगढ़ है। ये बांसवाड़ा का सामान्य सा परिचय हो जाएगा, बड़ा आसान। अब अपने मेन मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले अपने शुरू करते हैं बांसवाड़ा जिले की जो जियोग्राफी है, यानी कि बांसवाड़ा जिले की जो भूगोल है। और भूगोल में सबसे पहले अपने पढ़ते हैं बांसवाड़ा जिले की जो जलवायु है, बांसवाड़ा जिले की जो जलवायु है। चलो सबसे पहले तो अपने जलवायु के वो चार वर्गीकरण पढ़ लेते हैं कि किसके अनुसार यहाँ पर कैसी जलवायु है। जैसे एक तो अपने पढ़ते हैं भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, एक है ओपेन के अनुसार, एक है फॉरनवेट के अनुसार और एक है रिवार्था के अनुसार, है ना। तो सामान्यतः अगर बात की जाए तो सामान्यतः जो बांसवाड़ा जिला है ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है, यानी कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बांसवाड़ा जिले की जलवायु कैसी है? अति आर्द्र जलवायु है। ओपेन के अनुसार AW है, फॉरनवेट के अनुसार यहाँ की जलवायु CAW है, और ट्री वार्ता के अनुसार भी यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, मतलब AW है। ओपेन फॉरनवेट का एक ही मत है, ठीक है। इसके अलावा याद रखना बांसवाड़ा जो जिला है, बांसवाड़ा जो जिला है, आपको पता है ना बांसवाड़ा जिले में से करक रेखा होकर निकलती है ना। तो करक रेखा से नीचे वाला भाग उष्ण कटिबंध में आता है और करक रेखा से ऊपर वाला भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है, यानी कि बांसवाड़ा का जो उत्तरी भाग है वहां पर तो पाया जाता है उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। और बांसवाड़ा जिले का जो दक्षिणी भाग है वहां पर पाया जाता है उष्ण कटिबंध, क्योंकि करक रेखा के दक्षिणी साइड में जो कटिबंध है वो उष्ण कटिबंध है। तभी तो अपने बोलते हैं कि अधिकांश राजस्थान का जो भाग है वो उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। उष्ण कटिबंध वाले जिले दो है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, क्योंकि वहां से करक रेखा होकर निकलती है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों जिनका वो धरातल जो उनका करक रेखा से नीचे आता है ना, वहां पर उष्ण कटिबंध का प्रभाव है ना। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर ये दो ऐसे जिले हैं जहां की जलवायु में दोनों ही कटिबंध पाए जाते हैं, दोनों में से करक रेखा निकलती है। तो करक रेखा से नीचे वाला जो भाग है दोनों जिलों का, वहां पर तो उष्ण कटिबंध है, और दोनों के करक रेखा के ऊपर वाला जो भाग है वहां पर उपोष्ण कटिबंध है, ठीक है। तो बांसवाड़ा जिले का जो लगभग भाग है वो ज्यादा इसका भाग उष्ण कटिबंध में आता है। अगर बांसवाड़ा में किसी कटिबंध को प्रधानता देनी पड़े तो याद रखना उष्ण कटिबंध है, ठीक है। और याद रखना अपना जो अधिकांश राजस्थान है, अधिकांश जो राजस्थान है, अधिकांश राजस्थान उपोषण कटिबंध के अंतर्गत आता है, यानी कि अधिकांश राजस्थान की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है? उपोषण कटिबंध है, क्योंकि राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये दो ही ऐसे जिले हैं जिनकी जलवायु पर सबसे ज्यादा उष्ण कटिबंध का प्रभाव पड़ता है, उष्ण कटिबंध का प्रभाव पड़ता है। इन दोनों के अलावा बाकी का जो राजस्थान है वो सारा का सारा उपोषण कटिबंध के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जलवायु में एक फैक्ट और याद रखिएगा, जैसे अगर अपने पढ़े
ये अपने राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो अपने सारे जानते हैं कि अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो जिला है वो झालावाड़ है, ठीक है। झालावाड़ के बाद अगर कहीं पर ज्यादा बारिश होती है ना तो वो बांसवाड़ा ही है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है, पहला झालावाड़ है। झालावाड़ में सबसे ज्यादा बारिश होती है 100 सेंटीमीटर, तो बांसवाड़ा में होती है 90 सेंटीमीटर। झालावाड़ में सबसे अधिक दिनों तक बारिश होती है 40 दिनों तक, तो बांसवाड़ा में होती है 38 दिनों तक बारिश। तो सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला कौन सा है? भाई बांसवाड़ा है, ठीक है। और यही वो बांसवाड़ा है जहां से सर्वप्रथम दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, इस मानसून की एक शाखा है अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा। और ये अरब सागर की जो शाखा है ये सबसे पहले इसी बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती है। कब? तो भाई मध्य जून को, याद आ गया होगा, 15 या 16 जून को अरब सागर की शाखा अपने प्रवेश करती है, है ना। कौन से जिले से? बांसवाड़ा जिले से। इसीलिए तो कहते हैं कि बांसवाड़ा हमारे राज्य में मानसून का प्रवेश द्वार है। तो यहां से कौन सा मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और इस मानसून की कौन सी शाखा सबसे पहले प्रवेश करती है? तो अरब सागर की शाखा है। तभी तो बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है ना, इसकी दो शाखाएं आती है, एक अरब सागर वाली, एक बंगाल की खाड़ी वाली। जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो तो अपने झालावाड़ से प्रवेश करती है, और अरब सागर वाली जो शाखा ये बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती है। तो ये बांसवाड़ा के अंदर जलवायु के कुछ फैक्ट है जो आपको यहाँ पर याद रखने, ठीक। इसके बाद अपने बात करते हैं बांसवाड़ा जिले में पाई जाने वाली मिट्टी, कि बांसवाड़ा जिले में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखना, बांसवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा जिस मिट्टी का सर्वाधिक बांसवाड़ा में विस्तार है वो याद रखना लाल मिट्टी का विस्तार है। बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा किस मिट्टी का विस्तार है? लाल मिट्टी का विस्तार है बांसवाड़ा में, सबसे ज्यादा ये लाल मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा यहां पर लाल काली मिट्टी भी पाई जाती है, और यहां पर लाल लोमी मिट्टी भी पाई जाती है। जोधपुर ग्रामीण में आपको मिट्टियां सारी अच्छे से याद करवाई थी, ज्यादा यहां पर लाल मिट्टी का विस्तार। और अगर अपने बात करें आधुनिक मान्यता के अनुसार, यानी कि वैज्ञानिकी वर्गीकरण के अनुसार, तो मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है अपना, दक्षिणी जो राजस्थान है, वहां पर अपने को सबसे ज्यादा इनसेप्टी सोयल जो मृदा है इसका विस्तार मिलता है। मेवाड़ उदयपुर के आसपास डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर भी इनसेप्टी सोयल का विस्तार है। तो ये मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है मुख्य रूप से। उसके बाद अगर अपने बांसवाड़ा जिले के अंदर कृषि के मेन मेन फैक्ट अगर कवर करें कि कृषि के अंदर अपने यहाँ पर क्या क्या चीज़ है जो याद कर सकते हो, याद रखना जो बांसवाड़ा जिला है ये वर्तमान के अंदर अरहर और अदरक उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और इसके अलावा याद रखना मक्के का उत्पादन भी यहाँ पर खूब होता है, लेकिन मक्का उत्पादन में अब की बार इसका प्रथम स्थान नहीं रहा। अब की बार बांसवाड़ा का जो प्रथम स्थान रहा वो अरहर और अदरक उत्पादन में रहा। अब की बार का मतलब है 2019-20 के अंदर, क्योंकि फसलों के उत्पादन के जो आंकड़े हैं वो अंतिम आंकड़े 2 साल बाद जारी होते हैं। तो अभी हमारे पास में 2021 के अंतिम आंकड़े हैं, तो 2021 में
अरहर और अदरक उत्पादन में पहला स्थान बांसवाड़ा का है। बकायदा मक्के का भी एवरेज यहाँ पर उत्पादन ठीक ठाक होता है, लेकिन प्रथम स्थान अरहर और अदरक उत्पादन का है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक लगभग अपने पढ़ते हैं कि जो केला है इसके उत्पादन केंद्र भी बांसवाड़ा जिले का अग्रणी स्थान है। केला भी लगभग अपने ज्यादातर बांसवाड़ा जिले में ही होता है। इसके अलावा बांसवाड़ा जिले में कुछ फसलों के अनुसंधान केंद्र है ना, तो कौन कौन सी फसल के अनुसंधान केंद्र है वो थोड़े से ढंग से याद रखिएगा। जैसे बांसवाड़ा जिले की बात करें तो बांसवाड़ा जिले में मक्के का अनुसंधान केंद्र है, सोयाबीन का भी अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा में, चावल का भी अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा में। गड़बड़ करवाने वाला है मूंगफली, क्योंकि मूंगफली का नाम आते ही अपने दिमाग में बीकानेर आता है। बीकानेर में मूंगफली की मंडी है, जबकि मूंगफली का जो अनुसंधान केंद्र है वो याद रखो बांसवाड़ा के अंदर है, जबकि उसकी मंडी बीकानेर के लूणकरण सर में है। तो बांसवाड़ा में चार फसलों के अनुसंधान केंद्र है, मक्का, सोयाबीन, चावल और मूंगफली, जबकि मूंगफली की मंडी कहां पर है तो वो बीकानेर में है। तो ये कृषि के कुछ फैक्ट है जो अपने को बांसवाड़ा जिले के अंदर मुख्य रूप से यहाँ पर याद करने हैं, ये कृषि के फैक्ट हो जाएंगे। चलो उसके बाद अपने बात करते हैं बांसवाड़ा जिले का जो अपवाह तंत्र है, यानी कि यहाँ पर मुख्य रूप से कौन कौन सी नदियां बहती है। बांसवाड़ा जिले का जो अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र के ऊपर अपने यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखो अपवाह तंत्र की बात करें तो बांसवाड़ा जो जिला है ना, यहां पर जो अरब सागर का अपवाह तंत्र है, अरब सागर का जो अपवाह तंत्र है, इस अपवाह तंत्र की सबसे मेन जो नदी है वो माही नदी है। इस नदी का बहाव क्षेत्र बांसवाड़ा जिले में मुख्य रूप से है, कि बांसवाड़ा जिले में मुख्य रूप से जो बहने वाली नदी है वो कौन सी है, माही नदी है। इसके अलावा यहाँ पर माही की तीन सहायक नदियों का भी बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है। जैसे बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा में माही की कुछ सहायक नदियां भी आती, जिसमें कीरू का नाम आता है, एराव है, उसके अलावा चाप है, उसके अलावा मोरेन है। ये माही की कुछ सहायक नदियां हैं, ये भी अपने को बांसवाड़ा के अंदर इन नदियों का भी बहाव क्षेत्र हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मेन यहाँ की जो नदी है वो माही नदी है, सॉरी मोरेन का जो बहाव है ना वो इधर नहीं है, तीन सहायक नदियां उनका इधर बहाव क्षेत्र है, इरू, एराव और चाप। और यहाँ की जो मुख्य नदी है वो कौन सी है, माही नदी है, जिसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर, राजस्थान में 171 किलोमीटर है। तो आइए अपने एक बार माही नदी के बारे में जो डिटेल है वो अपने पढ़ लेते हैं। माही नदी को नक्शे के अंदर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा और माही की जितनी भी विशेषता है वो सारी अपने एक साथ इसमें कवर करते हैं। देखिएगा माही नदी का जो नक्शे के अंदर जो इसकी विशेषता है, देखिएगा ठीक है, ये अपने राजस्थान का मैप है, इसमें अपने माही नदी को देखते हैं। देखिएगा माही नदी के लिए मेन तो अपने को भाई ये दक्षिणी साइड के जिले चाहिए, तो मैं इस नक्शे को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, समझ आ जाएगा। जैसे मान लो ये डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, ठीक है, अभी अच्छे से देखिएगा। चलो मैं थोड़ा सा इसका डायग्राम बना देता हूँ, अभी कोशिश करो अपने पास नक्शा रखो, नक्शे के साथ साथ थोड़े इसको बढ़िया तरीके से अपने इसको डायग्राम में व्यवस्थित कर लेंगे। जैसे इस प्रकार से बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा पर होते हुए, फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा पर होते हुए इस प्रकार से ये माही नदी बहती है। ठीक है, यानी कि माही नदी क्या करती है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच में भी सीमा बनाती है, ठीक है, और इधर
डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच में भी सीमा बनाती है, ठीक है। ये माही नदी है। अब देखिएगा कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है। जैसे ये स्टार्टिंग है मान लो, तो ये माही नदी का उद्गम हो जाएगा। तो माही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश राज्य, एमपी राज्य, धार जिला, सरदारपुरा गांव है, विध्यांचल पर्वतमाला एमपी में फैली हुई है। उसी के ऊपर एक पहाड़ी का नाम है अम मोरू की पहाड़ी, और इसी पहाड़ी पर एक झील आती है महेंद्र झील। कौन सी? महेंद्र झील। यहां से माही नदी का उद्गम होता है, ठीक है। ये माही का उद्गम है। एमपी राज्य, धार जिला, सरदारपुरा गांव, अम मोरू की पहाड़ी, महेंद्र झील। उसके बाद जहां से इसका अपने राजस्थान में प्रवेश होता है ना, ये बांसवाड़ा की सीमा से, तो इस नदी का प्रवेश द्वार है बांसवाड़ा जिले का खांडू गांव। बांसवाड़ा जिले का जो खांडू गांव है, यहां से ये अपने राज्य में प्रवेश करती है। कि माही का अपने राज्य में प्रवेश द्वार कौन सा है, तो वो बांसवाड़ा जिले का खांडू गांव। प्रवेश करने के बाद इसी नदी के ऊपर बांसवाड़ा जिले में यहाँ एक ऐतिहासिक बांध बना हुआ है, जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध, इसी के पास में आगे एक कागदीपिक बांध और बना हुआ है, लेकिन मेन माही नदी के ऊपर यहाँ पर ये माही बजाज सागर बांध। फिर ये बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा पर होते हुए डूंगरपुर में आती है। तो डूंगरपुर के अंदर इसके ऊपर यहाँ पर एक धाम है, बेणेश्वर धाम, जहां पर आपको पता है सो माई जाखम का त्रिवेणी संगम होता है। और डूंगरपुर के अंदर ही इस नदी के ऊपर गलियाकोट भी आता है, जो अपने राज्य में दाऊदी बोरा संप्रदाय की मेन पीठ है। तो बांसवाड़ा के अंदर ये दो धार्मिक स्थल है, एक बेणेश्वर धाम है, एक गलियाकोट है। बाद में ये डूंगरपुर जिले की सीमा से बाहर चली जाती है, गुजरात में निकल जाती है। तो इसका जो निकासी द्वार है ना, ये डूंगरपुर जिले का नरवाली कस्बा, यहाँ से माही अपने राज्य से बाहर निकलकर गुजरात में चली जाती है। तो फिर इसके ऊपर गुजरात के अंदर भी एक बांध बना हुआ है, जिसका नाम है कड़ाना बांध, ये गुजरात में बना हुआ है। और फिर लास्ट में ये जाकर अरब सागर के अंदर एक उसका भाग है खंबात की खाड़ी, जहां पर माही नदी अपना जल समाप्त करती है। कहां पर? खंबात की खाड़ी में, जो अरब सागर का ही भाग है। इस प्रकार से माही नदी अपने तीन जिलों में बहती है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, ठीक है। आसान सा डायग्राम है। देखो, माही का उद्गम अम मोरू की पहाड़ी महेंद्र झील है, और प्रवेश द्वार इसका बांसवाड़ा जिले का खांडू गांव है, ठीक। उसके बाद बांसवाड़ा में एक बांध बना हुआ है, माही बजाज सागर बांध। डूंगरपुर में तो धार्मिक स्थल है बेणेश्वर धाम और गलियाकोट, और डूंगरपुर जिले का ही नरवाली कस्बा इस माही नदी का निकासी द्वार है। मतलब ये राजस्थान से निकलकर गुजरात में चली जाती है, और गुजरात में माही नदी पर एक ऐतिहासिक बांध बना हुआ है, कौन सा? कड़ाना बांध, गुजरात में है ये। और लास्ट में ये अपना पानी कहाँ ले जाती है? तो लास्ट में ये खंबात की खाड़ी में जाती है। ये माही नदी का डायग्राम है, नक्शे को ढंग से समझ लीजिएगा तो डिटेल इसकी याद करना बड़ी आसान हो जाएगी। अब अपने माही नदी की डिटेल को शुरू करते हैं। देखिएगा, नदी का नाम है माही नदी। किस अपवाह तंत्र की नदी है? अरब सागर की है। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि माही नदी की जो कुल लंबाई है, माही नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? तो माही नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर, ठीक। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में माही की लंबाई है 171 किलोमीटर,
ठीक, ये इसकी लंबाई है, कुल लंबाई 576 है और अपने राजस्थान में माही की लंबाई 171 किलोमीटर। अब देखो माही जो नदी है ना, इसको आपको किताब की लैंग्वेज में याद नहीं करना, आप कोशिश करो इसमें बिंदु बनाकर इस माही नदी को आसान से याद करने में। जैसे अपने याद करते हैं तो माही नदी के अंदर पहला अपने पॉइंट बनाते हैं माही नदी का जो बहाव क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र के जो मेन मेन फैक्ट है वो अपने सारे एक ही पॉइंट में कवर कर लेते हैं, और एग्जाम के लिहाज से हमारे लिए काम का भी यही है। बहाव क्षेत्र के बारे में जो इसकी धरातलीय विशेषताएं हैं उसको ढंग से कवर कीजिएगा। जैसे पहले अपने बात करते हैं बहाव क्षेत्र में कि बहाव क्षेत्र बताओ कितने जिलों में है, तो बताओ तीन है ना, क्योंकि माही क्या है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा पर बहती है, तो इसका बहाव बांसवाड़ा में भी होगा प्रतापगढ़ में भी होगा, तो ये अपने तीन जिलों में बहती है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, तीन जिलों में माही का बहाव क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद माही का जो बहाव क्षेत्र है ये कितने प्रकार की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है, तो याद रखो माही जो नदी है ना ये दो बार हमारे यहाँ प्राकृतिक सीमा बनाती है। वैसे ना नदियां जो भी सीमा बनाती है वो सीमा प्राकृतिक ही होती है, क्योंकि नदियां खुद प्राकृतिक होती है, तो इनकी जो सीमा होगी वो भी प्राकृतिक ही होगी। अब देखो ये दो बार कैसे बनाती है, डायग्राम को देखो, एक बार तो देखो ये डूंगर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच में सीमा बना रही है, दोनों की सीमा पर बह रही है, और एक बार देखो इधर ये डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा पर भी बह रही है, तो दो बार सीमा बना रही है ना। लेकिन याद रखना अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए ना तो सबसे मेन प्राथमिकता देना कि माही नदी मुख्य रूप से डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। ठीक, इसके बाद में बताना बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ इन दोनों के बीच में ये सीमा का निर्धारण करती है। प्राथमिकता डूंगरपुर बांसवाड़ा को देनी है, और अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम में ऐसा बहुत बार हुआ कि उसने प्रश्न पूछा कि माही नदी सीमा का निर्धारण करती है और ऑप्शन में दोनों ही दे दिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा भी दे दिया, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ भी दे दिया, तो इस कंडीशन में मेन प्राथमिकता आप किसको दोगे, डूंगरपुर बांसवाड़ा को दोगे। हाँ अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए चौथा ए वे बे दोनों तो फिर दोनों ही है, लेकिन मेन डूंगरपुर बांसवाड़ा याद रखिएगा। उसके बाद माही के बहाव क्षेत्र के नाम क्या है, ये सबसे मेन है। अभी बहाव क्षेत्र के दो नाम है, रट्टा लगा लेना, एक तो माही के बहाव क्षेत्र को बोलते हैं छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान, और एक माही के बहाव क्षेत्र को कहा जाता है कांठल का क्षेत्र, कांठल का क्षेत्र, ये माही के बहाव क्षेत्र के दो नाम है, छप्पन का मैदान और कांठल का क्षेत्र। अब देखो यहां पर कुछ चीजों को समझने का प्रयास करना, हमने स्टार्टिंग में आपको मैंने ये बताया था कि जो बहाव क्षेत्र का जो नाम होता है उसका मतलब होता है जो स्थानीय भाषा में उस नदी को किस नाम से पुकारते हैं, जैसे घग्गर को नाली बोलते हैं, तो राजस्थान में घग्गर का बहाव क्षेत्र नाली है, तो ये भी तो दो माही के बहाव क्षेत्र के ही नाम है, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी तो लोकल लैंग्वेज के शब्द, जो स्थानीय भाषा का शब्द होगा वही तो बहाव क्षेत्र का नाम होगा। अब होता क्या है वो समझना, जैसे माही नदी अपने राज्य में बांसवाड़ा जिले से जब प्रवेश करती है तो वो नदी क्या करती है, हमारे यहाँ पर बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ दोनों जिलों की सीमा पर बहती है। ठीक है, अब जब ये दोनों की सीमा पर बहती है तो दोनों की सीमा पर एक 56 गांवों का समूह है जो मेन बांसवाड़ा जिले में काउंट होता है, तो उस गांव के लोग उस नदी को वहां अपनी भाषा में छपनिया नदी बोलते हैं, यानी कि वो गांव का समय कौन से जिले में, बांसवाड़ा में, तो बांसवाड़ा के जो लोग हैं वो अपनी भाषा में माही नदी को क्या बोलते हैं, छपनिया नदी, यानी कि बांसवाड़ा जिले में स्थानीय भाषा का शब्द कौन सा यूज हो गया, छपनिया नदी, तो इसी के ऊपर नाम क्या कर दिया, छप्पन का मैदान कर दिया।
और जब ये बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा पर बहती है तो इसका पानी स्वाभाविक सी बात है प्रतापगढ़ में भी जाएगा। तो प्रतापगढ़ के जो लोग हैं वो लोग इस नदी को अपने पुराने नाम से जानते हैं, यानी कि कांठलिया नदी। प्रतापगढ़ का सबसे प्राचीन नाम क्या था? कांठल प्रदेश था, तो कांठलिया नदी बोलते हैं। तभी इसी के ऊपर इसका नाम का देखो कांठल का क्षेत्र कर दिया। अब जैसे प्रश्न आ जाए कि 56 का मैदान कहाँ है, ऑप्शन में दो दो जिले हो, तो ये बांसवाड़ा प्रतापगढ़ दोनों में है क्योंकि दोनों की सीमा पर है। उसी प्रकार से कांठल का क्षेत्र कहाँ है, तो ये भी बांसवाड़ा प्रतापगढ़ दोनों की सीमा पर। लेकिन अगर एक एक जिला बताना पड़े तो 56 का मैदान तो मुख्य रूप से बांसवाड़ा में है और कांठल का क्षेत्र मुख्य रूप से प्रतापगढ़ में है। और याद रखना प्रतापगढ़ की बाउंड्री पर जब ये बहती है तो प्रतापगढ़ के जो लोग हैं वो माही नदी का जो किनारा होता है यानी कि जो तट होता है उस किनारे को भी यहाँ पर ये कांठल के नाम से जानते हैं कि माही का किनारा क्या कहलाता है, तो भाई कांठल कहलाता है। और बहाव क्षेत्र के नाम क्या क्या है, तो ये दो नाम है 56 का मैदान और कांठल का क्षेत्र। उसके बाद लास्ट में याद रखना माही के बहाव क्षेत्र की आकृति कैसी है। तो माही का अगर आप डायग्राम बनाते हो तो आपको ऐसे लगेगा जैसे हमने उल्टा यू बना रखा है या उल्टा वी बना रखा है। जैसे इस प्रकार से माही नदी बहती है, उल्टा यू बन गया ना कि माही के बहाव क्षेत्र की आकृति कैसी है, उल्टे यू या वी जैसी है। और हमें यह भी तो पता है कि करक रेखा भी तो यहीं से निकलती है, तो करक रेखा को दो दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। यानी कि करक रेखा को दो दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। अब एक बात को समझना, मान लो ये माही का डायग्राम है, इसके अंदर अगर मैं करक रेखा को बना दूं तो ये अक्षर क्या बन गया, ए बन गया। यानी कि वो पर्सन ये कर दे कि आप ये बता दो करक रेखा सहित माही नदी की आकृति कैसी है, तो अंग्रेजी की अक्षर ए जैसी है। और सीधा पूछे माही की आकृति, तो उल्टे यू या वी जैसी है। अब एक चीज और देखो, माही नदी का जो उद्गम होता है वो दक्षिणी दिशा से होता है ना, दक्षिण दिशा है। उसके बाद ये ऊपर जाती है मतलब उत्तर दिशा में जाती है, फिर वापिस अपना पानी कौन सी दिशा में ले आती है, दक्षिण दिशा में ले आती है। यानी कि इकलौती ऐसी नदी है जो जिस दिशा से निकलती है अन्य दिशा में बहने के बाद अपना पानी वापिस उसी दिशा में लाकर समाप्त कर देती है। दक्षिण से निकलती है, उत्तर में जाती है, वापिस दक्षिण में आ जाती है। तो ये भाई माही नदी में पहला आपका पॉइंट हो जाएगा बहाव क्षेत्र। ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपके दिमाग में बहाव क्षेत्र जब आएगा माही नदी में तो मेन मोटी मोटी कहानी आपके आ जाएगी। जैसे देखो रिपीट करो, बहाव क्षेत्र में कितने जिलों में बहती है, तीन नाम हो गए, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। कितने प्रकार की सीमा बनाती है, दो प्रकार की, मेन डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच बनाती है, फिर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच बनाती है। अच्छा बहाव क्षेत्र के नाम क्या है, दो नाम है, 56 का मैदान और कांठल का क्षेत्र। बहाव क्षेत्र की आकृति कैसी है, उल्टे यू या वी के समान है। और करक रेखा सहित कैसी है, तो ए के समान है। और करक रेखा को दो दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी है, है ना, आसान है। अगर बिंदु बनाकर इस चीज को पढ़ा जाए तो बड़ा आसान है। तो पहला पॉइंट है बहाव क्षेत्र। उसके बाद देखो इसी में दूसरा पॉइंट बना लेना, माही नदी के ऊपर संचालित परियोजना। तो भी माही नदी के ऊपर एक ही परियोजना संचालित है जिसका नाम है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना, कि माही नदी पर कौन सी परियोजना है, तो माही बजाज सागर परियोजना है। अब इसमें दो तीन बातें याद रखो, ये जो माही परियोजना है ना, ये एक
संयुक्त परियोजना है जिसमें एक तो अपना राजस्थान है और एक हमारे साथ इसमें हिस्सेदारी में गुजरात है, और दोनों का हिस्सा इसमें, हमारा हिस्सा 45% है और गुजरात का हिस्सा इसमें 55% है, 45-55 के अनुपात में है। और ये किस प्रकार की परियोजना है, तो ये जल व विद्युत दोनों प्रकार की है, मतलब इसे पेयजल और सिंचाई का पानी भी मिलता है आसपास के क्षेत्रों में, प्लस इसके ऊपर बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। और इस परियोजना का निर्माण कार्य जो हुआ था वो 3 चरणों में इसका निर्माण कार्य संपन्न हुआ था। अब ये चरण क्या थे ये समझना, जैसे माही परियोजना का जो निर्माण है वो कितने चरणों में हुआ था, 3 चरणों में हुआ था, तो कौन से चरण में क्या काम हुआ वही चीज अपने को याद करनी है। जैसे ये माही नदी के निर्माण का प्रथम चरण है, ये द्वितीय चरण है और ये तृतीय चरण है, ठीक है, ये 3 चरणों में माही का निर्माण हुआ था। सिंपल सी थ्योरी याद करो, प्रथम चरण में माही नदी के दोनों बांध बना दिए गए, दोनों का मतलब एक तो बना दिया कड़ाना बांध, कड़ाना बांध कहां पर है, गुजरात के अंदर है, और एक अपने वाला बना दिया माही बजाज सागर बांध। और माही बजाज सागर बांध कौन से जिले में है, बांसवाड़ा में है, और बांसवाड़ा के कस्बे का नाम है बोरखेड़ा कस्बा, बांसवाड़ा जिले का कौन सा कस्बा, बोरखेड़ा कस्बा। और ये वाला जो बांध है ना माही बजाज सागर, याद रखना ये अपने राज्य का सबसे लंबा बांध है, कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो माही बजाज सागर बांध। 3 चरण है, पहले चरण में माही नदी के दोनों बांध बना दिए, कड़ाना बांध और माही बजाज सागर बांध। दूसरा जो चरण था इसमें क्या किया, ये जो माही बजाज सागर बांध है ना इसी के पास में एक बांध बना दिया कागदी पिक अप बांध, कागदी पिक अप बांध, यानी कि ये बांध भी माही बजाज सागर बांध के पास में बना दिया, मतलब ये भी कहां बना है, बांसवाड़ा जिले में बना हुआ है। पिक अप बांध का मतलब होता है जिसमें पानी को लिफ्ट किया जाता है, जिसमें मतलब पानी को ऊपर उठाकर नीचे गिराया जाए, ताकि एक तो पानी का प्रेशर तेज हो तो चढ़ाई वाली साइड में पानी आराम से पहुंच जाता है, और एक पानी जब ऊपर से नीचे आता है तो पानी के घर्षण से बिजली का उत्पादन भी हो जाता है। तो सिस्टम अब यह है कि माही नदी का जो पानी है वो पानी इस माही बजाज सागर बांध में भरा जाता है, और इस बांध का पानी फिर इस कागदी पिकअप बांध में भरते हैं, और ये पानी फिर उस बांध इस पानी को बाद में लिफ्ट करता है, और इसी कागदी पिकअप बांध से सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति के लिए 2 नहरें निकाल दी कागदी पिकअप बांध से ही दूसरे चरण में, जिसमें एक नहर को नाम दे दिया भिखाबाई सागवाड़ा नहर, भिखाबाई सागवाड़ा नहर। ये नहर बांसवाड़ा व डूंगरपुर दोनों जिलों को जलापूर्ति करवाती है, ज्यादा इस नहर का फायदा डूंगरपुर को मिलता है, इसलिए भिखाबाई सागवाड़ा नहर का हम मुख्य संबंध डूंगरपुर जिले से पढ़ते हैं। लेकिन अगर ये नहर पूछे किन 2 जिलों में है, तो ये बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनों जिलों में, क्योंकि ये इस वाले बांध से निकलकर जाती है, और ये बांध कहाँ बना हुआ है, बांसवाड़ा में बना हुआ है। और एक इससे नहर निकाल दी आनंदपुरा भूकिया नहर, आनंदपुरा भूकिया नहर। और ये वाली जो नहर है ये नहर केवल एक ही जिले को जलापूर्ति करवाती है, वो है बांसवाड़ा, आनंदपुरा भूकिया नहर। आनंदपुरा है ना जो सोने की खान है, उसी जगह तक जाती है, तो इस नहर का नाम उसी जगह के नाम पर रख दिया। अब जब ये 2 नहरें बना दी, तो नहरें बनाने के बाद में ये वाला काम तो पूरा हो गया, आसपास में सिंचाई और पेयजल का पानी मिलने लग गया। अब काम केवल एक रह गया, बिजली वाला, तो वो काम तीसरे में पूरा कर दिया। तीसरे चरण में क्या किया, ये जो कागदी पिकअप बांध है
इसी बांध के पास में दो विद्युत घरों की स्थापना कर दी, दो विद्युत घर लगा दिए, मतलब दो बिजली घर लगा दिए, दो लगाए थे तो एक तो लगा दिया था 90 मेगावाट का और एक बिजली घर लगा दिया 50 मेगावाट का, दो लगा दिए तो आप ये बताओ टोटल बिजली कितनी बनेगी, 140 मेगावाट बनेगी। समझ रहे हो? समझौता क्या कहता है कि राजस्थान गुजरात का हिस्सा कितना है, 45-55 है। लेकिन याद रखना जो बिजली है ना इसका 100% लाभ केवल अपने राजस्थान को मिलता है, यानी कि इस वाली बिजली में 45-55 का बंटवारा नहीं होता, ये पूरी की पूरी बिजली अपने राजस्थान के हिस्से में आती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हिस्सा है ना ये हिस्सा केवल और केवल जल में काम करता है। इसका मतलब कि माही बजाज सागर परियोजना में विद्युत में राजस्थान का जो हिस्सा है वो कितना है, तो याद रखो वो हिस्सा 100% है, पूरी की पूरी बिजली अपने राजस्थान को मिलती है। जैसे मान लो प्रश्न आ जाए कि माही परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो 45 है, या माही जल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो जल में तो 45 ही है, लेकिन माही विद्युत परियोजना में राज्य का हिस्सा कितना है, तो भाई 100% है। तभी तो इसके अंदर कहा जाता है, एक लाइन कही जाती है कि माही जो विद्युत परियोजना है वो राज्य की एकमात्र समय की संयुक्त विद्युत परियोजना है, एकमात्र समय की संयुक्त विद्युत परियोजना है। कौन सी? माही विद्युत परियोजना। समय की का मतलब है कि पूरा का पूरा फायदा समय राजस्थान को मिलता है, जबकि है तो यह संयुक्त परियोजना, इसमें गुजरात की भी हिस्सेदारी है, लेकिन फिर भी पूरा फायदा किसको मिलता है, राजस्थान को मिलता है। तो एकमात्र समय की संयुक्त विद्युत परियोजना कौन सी है, वो माही विद्युत परियोजना है। तो ये माही नदी का दूसरा पॉइंट हो गया परियोजना का। अब फायदा क्या हुआ, अगर आपने इस परियोजना को पूरा डिटेल में समझ लिया तो मुझे ये बताओ माही वाले जो ये दो बांध है क्या ये आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इस परियोजना में इन बांधों के अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें हैं जो अपनी कवर हो जाएगी। तो ये दूसरा पॉइंट बन गया माही के ऊपर परियोजना का। इसके अलावा समझ आ गया ना, चलो इसके अलावा माही नदी के अंदर तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट बना लेना डूंगरपुर जिला, क्योंकि डूंगरपुर के अंदर हमने दो नाम लिखे थे। अब देखो इसमें पहला नाम हमने लिखा था डूंगरपुर के अंदर एक धाम है, कौन सा? बेणेश्वर धाम। इसके अंदर जो खास खास बातें वो अपने पढ़ लेते हैं। देखिएगा बेणेश्वर धाम के अंदर क्या खास बात, तो अपने सारे जानते हैं कि जो बेणेश्वर धाम है ये त्रिवेणी संगम के लिए फेमस है। यहां पर तीन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, सोम, माही और जाखम, और इसी त्रिवेणी संगम के ऊपर आदिवासियों का बहुत बड़ा मेला लगता है। कब? माघ पूर्णिमा को, जिसको आदिवासियों का कुंभ या पुष्कर भी कहा जाता है। और इस बेणेश्वर धाम के जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? संत मावजी है। और इसी बेणेश्वर धाम के अंदर एक जगह का नाम आता है नवाटापुरा। क्या खास बात है? एकमात्र ऐसा धाम है नवाटापुरा जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है नवाटापुरा बेणेश्वर धाम में। तो यह बेणेश्वर धाम भी तो माही नदी के ऊपर ही। इसके अलावा एक हमने पॉइंट का नाम लिखा था गलियाकोट, डूंगरपुर जिले के अंदर ही है। इसमें क्या क्या खास बात है, तो याद रखो जो गलियाकोट है ये माही प्लस अनास इन दोनों नदियों के संगम के ऊपर है। बेणेश्वर धाम तीन के संगम पर है, सोम माही जाखम, और गलियाकोट दो नदियों के संगम पर है, माही और अनास।
और गलियाकोट जो है ये अपने राजस्थान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और इसी गलियाकोट में बोहरा संप्रदाय के प्रसिद्ध संत फकरुद्दीन की दरगाह भी स्थित है। फकरुद्दीन की दरगाह किस नदी के किनारे पर है? माही नदी के किनारे पर है, डूंगरपुर जिले में। और याद रखना, ये जो गलियाकोट है ये वर्तमान हमारे राजस्थान का रमकड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। रमकड़ा उद्योग होता है पत्थर पर नक्काशी करने का उद्योग, ये गलियाकोट के बारे में बात हो गई। और लास्ट में एक नाम याद रखना, माही नदी से संबंधित एक क्रांति का नाम आता है और उस क्रांति का नाम है सुजलाम सुफलाम क्रांति, सुजलाम सुफलाम क्रांति। इस क्रांति का संबंध किस नदी से है? माही नदी से। माही नदी को साफ और गहरा करने के लिए यहां पर कौन सी क्रांति चलाई जा रही है? सुजलाम सुफलाम क्रांति। और लास्ट में अगर आप याद करना चाहो तो माही नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, उनके नाम याद कर लेना, जो माही की सहायक नदियों के नाम है, तीरू, एराव, जाखम, सोम, मोरेन, चाप, अनास, और अनास के साथ एक नदी जुड़ी है हरण व भादर। ये माही की सहायक नदियों के नाम है और ये आपकी पूरी माही नदी है। कहने का मतलब है किताब की भाषा में मत पढ़ो, तीन पॉइंट बस, बहाव क्षेत्र, परियोजना, डूंगरपुर, ज्यादा नहीं, 80% माही नदी आपके दिमाग में आ जाएगी। और माही परियोजना और माही बजाज सागर बांध का सबसे ज्यादा फायदा जो मिलता है वो बांसवाड़ा जिले को मिलता है। तो बांसवाड़ा जिले की सबसे प्रमुख जो नदी है वो कौन सी है? वो माही नदी है। ये बांसवाड़ा जिले के अपवाह तंत्र के बारे में था जिसमें हमने पूरी माही नदी को भी पढ़ लिया। तो एक बार आप माही नदी के बारे में जो भी हमने पढ़ा उस चीज को ढंग से एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर अपने बांसवाड़ा जिले के बारे में अन्य जो जियोग्राफिक इफेक्ट है वो अगली क्लास में कवर करेंगे और अगली क्लास में अपने कला संस्कृति को भी अपने शुरू कर लेंगे, ठीक है। नक्शा अगर अभी नहीं है तो शाम तक या जब भी आपको टाइम मिले तो माही नदी का ये डायग्राम नक्शे में बनाकर इसको अच्छे से जरूर व्यवस्थित कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपने बांसवाड़ा कल वाली क्लास में अपने बांसवाड़ा की ज्योग्राफी पूरी कर लेंगे और फिर कला संस्कृति के फैक्ट भी अपने शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए, बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और हमेशा संस्था के साथ जुड़े रहिए, विश्वास बनाए रखिए। जो आपको बोला गया है उस हिसाब से आपको पूरा डिटेल में मैं करवाऊंगा। और देखो इन दिनों में क्या कि ऑफलाइन जो क्लासें हैं ना वो बहुत ज़्यादा हो गई है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक लगातार ऑफलाइन क्लासें होती है, तो करके थोड़ा सा मैं लाइव आपसे रूबरू थोड़ा हो रहा हूं, लेकिन फिर भी तो अपने कभी भी मैं आपको बता दूंगा एक दो दिन में अपने एक दिन स्पेशल गप्पे मारने के लिए लाइव आएंगे जिसमें आपकी जितनी भी समस्याएं अगर जो आपको आ रही है या और कोई आपके डाउट है या अन्य अगर कोई बात है तो वो बात अपने उस लाइव सेशन में अपने ज़रूर साझा करेंगे। 2-4 दिन में आपको बता दूंगा, कभी भी एक दिन एक टाइम अपने तय कर लेंगे, उस टाइम में लाइव आऊँगा तो आप उस टाइम सारे जने लाइव जुड़ जाइएगा। जो भी दिक्कत आपको आ रही है, जो भी समस्याएँ आ रही है या कोई डाउट है या कोई पर्सन है तो वो अपने आमने सामने वार्ता के जरिए अपने उसको सुलझा देंगे, ठीक है। बाकी बने रहिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में इसी बांसवाड़ा जिले के साथ में। तब तक सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।